वेल हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज हम बनाएंगे डाइट मोमोज, एक कीटो मोमोज, एक हेल्दी मोमोज। सो जो डाइट मोमोज और रेगुलर मोमोज में 300 कैलोरीज का डिफरेंस आता है वो मेनली मैदे की वजह से है, जिसको हमने एक अच्छा अल्टरनेटिव से रिप्लेस करा है। तो आइए देखते हैं। सो ये हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो आज हम यूज करने वाले हैं अपने डाइट मोमोज में। सो डाइट मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने कैबेज की बेस को कट करना है, उसके बाद लीव्स को अलग अलग करना है। मेक श्योर लीव्स पूरी तरीके से ना टूटे अलग करते हुए, उनको अच्छे से धो ले एक बार ताकि उनके अंदर की सारी डस्ट निकल जाए। अच्छे से रिंस करने के बाद एक कंटेनर लें, उसमें पानी लें, पानी को गर्म करें। अब हमें अपने लीव्स को ब्लांच करना है ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। सो पानी गर्म होने के बाद उसमें लीव्स को डाल दें। अब उन्हें ढक के 8 से 10 मिनट के लिए गरम होने दें। प्याज काटें बारीक बारीक, मिर्ची काटे बारीक बारीक, धनिया काटे बारीक बारीक। अब स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम कीमा लेंगे, कीमे में हम चिकन कीमा, उसमें हम अपना प्याज डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, धनिया डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, वैसे इसमें ज़्यादा नमक यूज नहीं होता है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, मिक्स हर्ब्स डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और काली मिर्च डालेंगे। तो सबको एक अच्छा मिक्स दीजिए और आपका मिक्सचर तैयार है स्टफिंग के लिए। अब अपने मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले अपने कैबेज लीव्स को बाहर निकालें, उनको थोड़ी देर सूखने दें ताकि उनका पानी अलग हो जाए। अब स्टफ करने के लिए सबसे पहले लीव को रखें, उसके अंदर स्टफिंग रखें, उसे रोल करें और ज़्यादा अच्छी शेप की टेंशन ना लें, क्योंकि एक शेप जो आप इसे दे देंगे वो होल्ड रखेगा, क्योंकि वैसे ही ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसी तरीके से हम अपने सारे मोमोज को बना लेंगे, एक एक करके सब में स्टफिंग भरते रहेंगे और उन्हें रोल करते रहेंगे। अब इन्हें पकाने के लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे, आप इन्हें मोमो स्टीमर में, इडली स्टीमर में बना सकते हैं, बट मैं इसे कढ़ाई में बना रहा हूँ। उसके अंदर पानी रखें, एक प्लेट रखें जिसमें छेद हो, छन्नी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल लगाएं, तेल लगाने के बाद सारे मोमोज को इसके ऊपर रख दें। अब हम इनको स्टीम करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए, लो या मीडियम हीट पे 10 मिनट के लिए ढककर। सो एक बार आपके मोमोज स्टीम हो जाए, दे आर रेडी टू ईट। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा टेस्ट करेंगे। और अगर आपको थोड़ा सा क्रंच चाहिए तो आप इनको पैन फ्राई कर सकते हैं। पैन फ्राई करने के लिए हमें इनको 1 टीस्पून तेल में, ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करना है क्योंकि कैबेज काफ़ी तेल पी लेता है, 1 टीस्पून तेल में हमें अपने सारे मोमोज को रखना है और 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में वो एक साइड अच्छे से पक जाएगी। कैबेज जल भी सकती है इसलिए ध्यान रखें, मेक श्योर देखते रहें उसको। थोड़ी देर बाद उसको पलटें, जब एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए दूसरी साइड को पकने दें और आपके पैन फ्राइड कीटो मोमोज तैयार है। इसको सोया सॉस के साथ या चिली सॉस के साथ या फिर शेजवान चटनी के साथ सर्व करें। एंड गाइस ये बहुत टेस्टी लगते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ये वीडियोस बनाएं और हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू, पीस आउट।